चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में, जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी आई है। और 2557 पोस्ट की वैकेंसी में सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांचों के लिए कितनी सीटें हैं और उनमें कितना परसेंटेज मार्क लाना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्रांच वाइज कितनी सीटें हैं, इसके बारे में हम वीडियो को देखते हैं। जैसा कि हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अगर हम देखते हैं तो सिविल ब्रांच ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो जो कि सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जनरल कैटेगरी के लिए 617 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 223 और अनुसूचित जाति के लिए 322, अनुसूचित जनजाति के लिए 431 और अदर के लिए 2198 सीट। टोटल सीट जो कि सीधी भर्ती में 2198 है, यानी अप्रॉक्स रफली बोले तो 2200 सीट जो कि सीधी भर्ती के लिए। उसके बाद संविदा में 101 वैकेंसी है। और अगर सीधी बैकलॉग के रिक्त पदों की, तो बैकलॉग भर्ती में कौन आता है, तो बैकलॉग भर्ती में जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के छूट जाते हैं। तो इसमें एससी एसटी और इसके लिए 248 सीट हो जाती हैं। तो टोटल सीट जो कि 2557 सीट है, 2557 सीट है टोटल। और जिसमें से टोटल वैकेंसी जो कि 600 टोटल वैकेंसी 2557 सीट है। अब आते हैं कि किस ब्रांच के लिए कितनी सीट है। तो जैसा कि 2557 सीट में से 80 से 85% सीट ओनली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, यानी अप्रॉक्स 1900 सीट केवल सिविल ब्रांच के लिए ही है। और बाकी जो सीट बचती है वो अदर ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। उसमें से अगर हम रफली देखें तो जैसे कि 100% में 85% जो कि सिविल ब्रांच के लिए सीट है। उसके बाद इसमें 10% इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए सीट है और उसमें 5% जो कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। तो इस तरह से हर ब्रांच वाइज सब सीटें का डिवाइडेशन किया गया है। और सिविल ब्रांच के लिए अगर हम रफली देखें तो 1900 सीट जो कि सिविल ब्रांच के में है। और सिविल ब्रांच के लिए टोटल कितनी है, तो 1900 पोस्ट जो कि है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आने वाले हर वीडियो का अपडेट देखते रहें और जिससे आपको मिलती रहे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।